संगोल अपने आप में एक राजदंड है जो राजा को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रमाणिकता के तौर पे दिया जाता है कि महान राजा बनते हैं आप अपने कर्तव्यों और प्रजा के सुख दुख को समझ करके। प्रथम महिला हुई है जो अंतरिक्ष में गई है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम 30 का यह प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए अनगिनत वीडियोस लगातार लेकर के आ रहा है ताकि वो अपने एग्जामिनेशंस में अपनी सफलता की एक नया अध्याय लिख सके। एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे आज के इस वीडियो में पिछले कुछ दिनों के डेली फैक्ट्स पे हम लोग नजर डालेंगे। अब तक हमने देखा है कि एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर का पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में सक्सेस का एक बड़ा माध्यम भी हो सकता है और सक्सेस को रोक भी सकता है। इसलिए वो सभी स्टूडेंट जो करंट अफेयर की तलाश में रहते हैं कि कहाँ से करंट अफेयर्स कवर किया जाए ताकि कोई भी पोर्शन छूटे नहीं, तो उनके लिए एग्जाम 30 एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो आराम से इस चीज़ को कवर भी कर सकते हैं और अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए डेली प्रीलिम्स फैक्ट DPF के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो अनाउंसमेंट है आज की न्यूज का वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है कि पुस्तक और साहित्य के क्षेत्र का काफी बड़ा एक नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में जिनको दिया गया है वो है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल। ये मूल रूप से अंग्रेजी को दिया जाता है लेकिन अगर किसी और भाषा में किसी की किताब प्रकाशित हुई है तो अगर उसका कोई ट्रांसलेटर हो और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश भाषा में कर दे तो वो इस अवार्ड के विनिंग की जो लिस्ट होती है उसमें सम्मिलित हो सकता है और फाइनलिस्ट सेलेक्ट भी हो सकता है। उनका उपन्यास जिसे ये मिला है उसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है जिसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, बुल्गारिया के हैं, यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है, वह कौन सा स्टेट है जिसने अपने आप को पूरी तरह से ई गवर्नेंस यानी पूरी तरह से ये जो है डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, वही केरल राज्य जो शिक्षा में सबसे बेहतर है, महिला लिंगानुपात में सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सामाजिक सूचकांक में बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। साउथ इंडिया का ये एक ऐसा स्टेट है जो लगातार गरीबी को भी खत्म कर रहा है और एक बेहतर सतत विकास की ओर अपने राज्य को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हाई कोर्ट की बात कर रहा है, जनसंख्या के लेवल पे नहीं, क्योंकि जनसंख्या के लेवल पे सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण करने की शक्ति संविधान ने राष्ट्रपति को सौंपी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसके निर्धारण की शक्ति संसद को दी गई है। तो अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। झारखंड में जो हाई कोर्ट बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है और देश में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हाई कोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए हैं। ताइक्वांडो हम जानते हैं कि एक मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है। इसके नए प्रमुख नामदेव शिरगावंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पोर्शन है कि 2024 में क्वाड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, किसको मेजबानी दी गई है। हम जानते हैं 2023 क्वाड सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को मिली थी लेकिन कुछ कारणों से इसका सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ जहाँ पे G7 का भी सम्मेलन किया गया था। और उसी के उपलक्ष में उसके बाद जो 2024 का क्वाड सम्मेलन होना है वो कहाँ होना है, हमारी मातृभूमि भारत देश में होना है। 2023 में G20 का सम्मेलन, 2024 में
क्वाड का सम्मेलन, और ये पहली बार भारत में आयोजित होगा गठित होने के बाद। दूसरा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम है कंजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? वह कौन व्यक्ति हैं जिन्हें परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है? एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री के पद पे काबिज हुए हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भारत ने टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान हासिल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 के 61वें संस्करण के तहत घोषणा की गई है। तो भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत है वो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान प्राप्त किया है, और ये 75वां स्थान अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम आज़ादी का 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि ये अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल के उपलक्ष्य में 75वां स्थान भी मिलना अपने आप में एक उपलब्धि की बात है भारत के लिए। वो कंप्यूटर का नाम क्या है? इरावत, संगोल या संगोल, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। संगोल अपने आप में एक राजदंड है जो राजा को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रामाणिकता के तौर पे दिया जाता है। लेकिन जहां तक संगोल की बात आती है, ये भारत का पुरातन इतिहास रहा है। गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, इन सब में संगोल की अवधारणा देखी गई है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर संगोल की बात करें तो संगोल राजदंड के साथ साथ राजधर्म के पालन का भी एक इंगित करता हुआ एक दंड है, जो ये इंगित करता है कि सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ अधिकारों को लेकर के नहीं चलेगा, बल्कि अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन भी शुद्ध अंतःकरण से करेगा। क्योंकि राजपाट के मिल जाने से ही आप महान राजा नहीं बनते, बल्कि महान राजा बनते हैं आप अपने कर्तव्यों और प्रजा के सुख दुख को समझ करके। तो संगोल की प्राप्ति पुनः होने वाली है 1947 के बाद। 1947 में जब 15 अगस्त की रात में भारत आजाद हो रहा था, तो उस वक्त तमिलनाडु के कुछ विशेष पंडितों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको संगोल भेंट की थी, और वो ब्रिटिश सत्ता से भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने का एक प्रमाण था। वैसे ही नई संसद स्थापित हो चुकी है। ये नई संसद के बनने के उपलक्ष्य में, जिसका उद्घाटन 28 मई को होना है, संगोल की इस प्रथा को पुनः दोहराया जा रहा है। तो आइए समझते हैं संगोल क्या है। नए संसद भवन के आगामी उद्घाटन में एक महत्वपूर्ण वस्तु जिसे संगोल राजदंड कहा जाता है, एक प्रमुख स्थान पर स्थापित किया जाएगा। यह सत्ता के हस्तांतरण का क्या है? प्रतीक है। संगोल राजदंड महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अधिकार सौंपने का प्रतिनिधित्व करता था। तमिल शब्द सेम्मई से व्युत्पन्न सेंगोल शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है रेयान बरनावी। रेयान बरनावी हाल ही में काफी चर्चित महिला रही हैं। ये सऊदी अरब की प्रथम महिला हुई हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं। ठीक है, रेयान बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला के रूप में इतिहास रचा है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन, फिपिक। ये हाल ही में, इसका पापुआ न्यू गिनी में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो पापुआ न्यू गिनी में आयोजित फिपिक शिखर सम्मेलन ने व्यापार, निवेश, जलवायु
व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। 2014 में स्थापित इस बहुराष्ट्रीय समूह का उद्देश्य भारत और 14 प्रशांत द्वीप समूह के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? कुक्स आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुआतु, ये शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। डेली फैक्ट्स का न्यूज़ ज़रूर आप देखते रहिए। ये फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और सिलेक्शन का एक माध्यम भी बन सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से तो एकदम फिक्स हैं किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते रहें एग्जाम 30। हम हमेशा आपके साथ बने हुए हैं क्योंकि एग्जाम 30 सिर्फ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट देने पे भी विश्वास करता है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और इसे अन्य अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।